मोटरोला फाइनली एक नया ब्रांड न्यू फोन लेकर आई है इंडिया में, मोटरोला H50 Pro, जिसका हम सब बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। और ये कंपनी का एक पहला AI कैपेबल स्मार्टफोन है और इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए हैं जो इंडस्ट्री में पहली बार किसी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में ऑफर किए गए हैं। सो माना जा रहा है कि दुनिया का पहला ऐसा फोन है जिसमें पैनटोन वैलिडेटेड स्मार्टफोन कैमरा दिया है, एक यूनिक डिस्प्ले भी दिया गया है। तो एक एक करके सारे फीचर्स को डिस्कस करेंगे। बेस्ट पार्ट ये है कि अभी तक गूगल और सैमसंग जैसे ब्रांड्स के फ़ोन में ही AI फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, अब मोटरोला के इस लेटेस्ट लॉन्च फ़ोन में भी आपको बहुत सारे नए AI फीचर्स एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेंगे। कंपनी ने इसके डिस्प्ले, कैमरा और डिज़ाइन पर बहुत फोकस किया है और बेस्ट पार्ट ये है कि ये एक मिड रेंज सेगमेंट वाला फ़ोन है जिस पर कंपनी एक डिस्काउंट ऑफर भी दे रही है, तो उसके बाद इस फ़ोन को आप और कम प्राइस सेगमेंट में खरीद सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ हाइलाइट्स बता दिए। सबसे पहले इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। तो इसका जो बेस वेरिएंट है जिसमें 8GB रैम 256GB स्टोरेज मिलता है, उसका स्टार्टिंग प्राइस रखा गया है 31,999। अफोर्डेबल है, जिस हिसाब से फीचर्स दिए गए हैं सुनने में लगता है कि एक फ्लैगशिप फ़ोन होगा, 60,000 से 70,000 रुपये की रेंज में लॉन्च किया गया होगा, लेकिन कंपनी ने इस फ़ोन को अफोर्डेबल रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन यूज़र्स इस फ़ोन को खरीद पाए। अब इसका जो हाई एंड वेरिएंट है जिसमें 12GB रैम और 256GB तक का हाई स्टोरेज मिलता है, उसका प्राइस है 35,999। तो दोनों ही फ़ोन के प्राइस पॉइंट में बहुत डिफरेंस नहीं है। आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप हाई एंड वाला फ़ोन खरीद सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल सेल है वो 9 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी इंडिया में। आप इसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। सो अच्छी बात ये है कि ये एक IP68 रेटेड स्मार्टफोन है, मतलब कि एक वाटरप्रूफ फोन है जिसको आप आराम से आउटडोर एक्टिविटीज पानी में इजिली कैरी कर सकते हैं। 3 कलर ऑप्शंस में लॉन्च किया गया है, मून लाइट पर्ल कलर जो एक बहुत ही यूनिक फिनिश के साथ आता है, इसमें एक ल्यूक्स लैवेंडर कलर है और एक ब्लैक ब्यूटी कलर है जिसमें आपको सिलिकन वीगन लेदर फिनिश दिया है। सो ये वीगन लेदर फिनिश फोन को ऑलरेडी बहुत प्रीमियम बनाता है। अच्छी चीज़ ये है कि इस बार फोन लाइट वेट रखा गया है पिछले फोन के कंपैरेटिवली, तो उसका जो अप्रॉक्स वेट है वो 186 ग्राम्स के आसपास है। कंपनी ने इसका एक मून लाइट पर्ल वेरिएंट भी लॉन्च किया है जो कि कंपनी ने क्लेम किया है कि हैंडमेड डिज़ाइन है जिसे इटली में डिज़ाइन किया गया है। तो ये आप देखिए, कंपनी ने डिज़ाइन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, स्पेशली फीचर्स भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन किए हैं। सबसे पहले इसमें मिलने वाले कुछ AI फीचर्स की बात करेंगे। तो कंपनी ने इसमें कुछ AI जनरेटिव फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया है, जैसे AI थीमिंग आप कर सकते हैं जिसमें आप खुद का एक वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हैं जो आपके स्टाइल या आपके जो आउटफिट है, जो यूज़र का आउटफिट है उसके साथ मैच करेगा। तो सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है फीचर। इसी के साथ इसमें दिया गया है 6.67 इंच का एक पोलेट डिस्प्ले जो 1.5 के रिजोल्यूशन को सपोर्ट करता है, 144 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट है, 2000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट दिया गया है और साथ ही इसमें एक ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। तो जैसे मैंने बोला था, डिस्प्ले पे बहुत फोकस किया है। अभी इंडस्ट्री का पहला ऐसा फोन है जिसमें पैनटोन स्किन टोन वैलिडेशन डिस्प्ले दिया है। सो ये जो फीचर है ये क्या करता है, ये आपको जो ह्यूमन स्किन टोन्स हैं उनको बहुत अच्छे से डिस्प्ले करता है आपको। आप जैसे कंटेंट स्ट्रीमिंग करेंगे उसमें आपको एक यूनिक कलर एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा, एक यूनिक विजुअल इफेक्ट मिलेगा। और इसी के साथ मोटरोला ने ये भी क्लेम किया है कि ये दुनिया का ऐसा पहला फ़ोन है जिसमें AI पार्ट प्रो ग्रेड कैमरा दिया है जो कि पैनटोन से वैलिडेटेड है। सो ये पैनटोन क्या फीचर है ये मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कितने कैमरा सेंसर्स दिए हैं। तो 50MP का एक प्राइमरी सेंसर है, 13MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, साथ ही 10MP का एक टेलीफोटो लेंस दिया है जो 3x ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करता है। और सेल्फी के लिए इसमें 50MP का एक फ्रंट कैमरा दिया है जो ऑटो फोकस सपोर्ट के साथ आता है। सो ये जितने भी कैमरा फीचर्स हैं इनके साथ कुछ AI फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे AI अडैप्टिव स्टेबलाइजेशन आपको एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा, इंटेलिजेंट ऑटो फोकस ट्रैकिंग मिलेगी, एडवांस्ड लॉन्ग एक्सपोजर मिलेगा और एक टिल्ट शिफ्ट मोड दिया जाएगा। तो ये सारे मोड्स जो है वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कैमरा सेंसर्स के साथ। सो कैमरा में जो इतने सारे AI फीचर्स दिए हैं उसके साथ एक AI फोटो एनहांसमेंट इंजन का सपोर्ट भी दिया गया है जो डायनेमिक रेंज को इम्प्रूव करता है, बोके है उसको और ज़्यादा बेटर तरीके से शोकेस करता है और जो इमेज में नॉइज होती है उसको रिड्यूस करता है। तो आप ये देखिए कि आपको बेस्ट फोटोग्राफी एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा। इसके अलावा ये फ़ोन आता है एंड्रॉयड 14 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जिसमें हेलो UI यूज़र इंटरफेस इंट्रोड्यूस किया है। कंपनी ने क्लेम किया है कि 3 साल तक का एंड्रॉयड अपडेट आपको मिलेगा और 4 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा।
तो ये तो थे नॉर्मल फीचर्स, इनके बारे में हमने बात किया है। एक पॉइंट हमने मिस कर दिया था, वो थी बैटरी। तो बैटरी का साइज कंपनी ने इस बार कम रखा है ताकि फोन को थोड़ा सा लाइट वेट भी रखा जा सके, लेकिन जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है उसको काफी ज्यादा एक्सटेंड किया है। तो उसमें 4500 mAh की बैटरी मिलती है, 125 वॉट तक का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है और 50 वॉट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है। और साथ में कंपनी ने इसमें फास्टर USB 3.1 स्टैंडर्ड डेटा ट्रांसफर केबल भी दी है। तो ये सारे वो फीचर्स हैं जो मोटरोला H50 प्रो में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि 30,000 से 35,000 तक के प्राइस सेगमेंट में इतना कुछ कंपनी ने एक स्मार्टफोन में इंट्रोड्यूस किया है। नए AI फीचर्स, एक वीगन लेदर फिनिश, नए कैमरा फीचर्स आपको इंट्रोड्यूस किए हैं। और मुझे लगता है मोटरोला अपने फ़ोन के साथ जितने भी ये AI फीचर्स वाले फ़ोन हैं, सैमसंग हो गया, गूगल पिक्सल हो गया, इनके साथ अच्छे से कम्पीट कर सकती है। क्योंकि अभी तक ये AI फीचर्स हमें सिर्फ सैमसंग या गूगल के महंगे फ़ोन्स में मिलते थे, लेकिन मोटरोला ने अपने मिड रेंज सेगमेंट में इन फीचर्स को ऑफर किया है। तो अच्छी बात ये है कि जब ये फ़ोन सबके पास आ जाएंगे, आप ये फीचर्स एक्सपीरियंस कर पाएंगे और हम आपके लिए और डिटेलिंग वीडियो लेकर आएंगे जिसमें इसके फीचर्स को और अच्छे से इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, मोटरोला लवर्स के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। We'll be right back.